ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव को लेकर सोलन शहर वासियों ने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका मानना है कि भारत वर्ष में दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं और रोज दुर्घटनाओं में लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर दुर्घटनाएं रेश ड्राइविंग और ड्रंक एंड ड्राइविंग के कारण हो रही हैं, जिसे सख्ती से निपटा जा सकता है। इसलिए जो कानून केंद्र की सरकार ने बनाया है वह उसका स्वागत करती है। इस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव को लेकर सोलन शहरवासियों ने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका मानना है कि भारत वर्ष में दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं और रोज दुर्घटनाओं में लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर दुर्घटनाएं रैश ड्राइविंग, ड्रंक एंड ड्राइविंग के कारण हो रही हैं, जिसे सख्ती से निपटा जा सकता है। इसलिए जो कानून केंद्र की सरकार ने बनाया है वह स्वागत योग्य है। इस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। शहरवासियों ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव से भी बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस सख्त कानून के आने से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा और अनमोल दुर्घटनाएं जो जाती थी उनमें भी कमी आएगी। उन्होंने साथ में ये शंका भी जाहिर की है कि क्योंकि इस कानून में जुर्माना बेहद ज्यादा है, इसलिए कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। कानून का दुरुपयोग ना हो इसके लिए भी कुछ नियम बनाने चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का चालान हुआ है उसे अपनी सफाई देने का भी समय मिलना चाहिए। तीन जो बड़े इसके अंदर मेजर हैं, जैसे अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो आपका चालान अब 10,000 रुपए का होगा। अगर कोई माइनर जो नाबालिग अगर गाड़ी चला रहा है या स्कूटर या कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसका चालान 25,000 रुपये का होगा। साथ में ही उसका वो अपना लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनवा सकता। इसके पश्चात जो तीसरा एक और बड़ा मेजर है वो आपका जो है ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक एंड ड्राइव में भी आप ये लगा के चलिए कि 10,000 रुपये का ही चालान है। सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप ये देखिए जब तक कि सिविलियंस के ऊपर डर नहीं बनाया जाएगा, आम जनता के ऊपर डर नहीं होगा तो कभी भी नियमों का पालन नहीं होगा। इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि जो है इसमें नियमों का पालन पूर्णतः लोग करें और अपना अपने जीवन से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है, इसका बहुत ध्यान रखें। और साथ ही साथ मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते तो उनका सख्त से सख्त चालान किया जाए। मेरा नाम रोहित है और मैं सोलन का रहने वाला हूँ। जैसे कि हिमाचल सरकार ने ये चालान के न्यू रूल निकाले हैं, वो बहुत ही अच्छे निकाले हैं, जिससे कि लोग डबल हेलमेट लगा के चलेंगे। और जैसे कि ये आपने हिमाचल सरकार ने ये ड्रिंकिंग ड्राइव का चालान किया है, उससे लोग ड्रिंक करके कोई गाड़ी नहीं चलाएगा और एक्सीडेंट बहुत कम होंगे। जिस तरह से प्रशासन ने नए नियम निकाले हैं, ट्रैफिक के अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट ने निकाले हैं, वो बहुत ही अच्छे नियम हैं। लोग अवेयर भी बहुत है। हालांकि हम खुद भी पहले हेलमेट नहीं वेयर करते थे, अब हम खुद अवेयर हो चुके हैं कि हेलमेट लगाएं ताकि अपने लिए सेफ्टी है। सेकेंडली सीट बेल्ट के लिए जो नए रूल्स हैं एप्लीकेबल हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। साथ ही जो सबसे अच्छा है कि मैं ड्रिंक एंड ड्राइव का है, जो कि अब प्रशासन ने निकाला कि जो चालान पहले बिल्कुल जीरो थे या 2000 थे तो वो इंक्रीज़ होकर 5,000 to 10,000 हो चुके हैं। और इससे क्या है कि एक अवेयरनेस अच्छी आई है सबके लिए। और जिस सेकेंडली क्या है कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते थे वो सब चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी और एक प्रशासन को और मजिस्ट्रेट वगैरह को थैंकफुल करना चाहेंगे, जिससे उनके लिए इतना अच्छा उनका स्टेप है। और सोलन की जनता के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस चीज़ को फॉलो करें और साथ ही साथ हम भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। कोई सी भी गलती हो तो इतना भारी जुर्माना किया जाएगा कि जो कि एक आम आदमी के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। और तो और इसमें भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी गुंजाइश हो गई है। सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि किस प्रकार से दोनों पक्षों को सामने रखकर ये बात सोची जाए कि दुर्घटनाएं भी ना हो, जो कोई उन नियमों को तोड़ता है उसको भी कोई ज़्यादा सुविधा ना मिले और कोई शरीफ आदमी, कोई बेकसूर आदमी भी इसमें मारा ना जाए, उसको भी उतनी समय सीमा देनी चाहिए ताकि वो अपना पक्ष रख सके, अपनी बात रख सके और समय पे जो उसके कागज हैं वो दिखा सके। तो जागरूकता, जागरूक करने वाली बात सबसे ज़रूरी है कि लोगों को वाहन नियमों के प्रति जागरूक किया जाए, उनको उनके अधिकारों के प्रति भी बताया जाए कि भी आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई कागज नहीं है आप लाके दिखा सकते हैं, इतना समय के बाद आ सकते हैं, तब तक ये जुर्माना आपको नहीं देना पड़ेगा। सरकार को इस बात पर गौर करनी चाहिए और जुर्माने की राशि को घटाना चाहिए और इसमें सुधार, जो भी संशोधन सरकार जनता के हित के लिए कर सकती है उसे करने चाहिए।